दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूजर हैं और आप एक स्मार्ट यूजर हैं तो दोस्तों आप गूगल असिस्टेंट फीचर का ज़रूर यूज करते होंगे, जिसमें आप वॉइस कमांड देते हैं और वो आपके वॉइस कमांड पे उसी तरीके से एक्शन परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने गूगल असिस्टेंट का जो वॉइस है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक ही आवाज़ सुन सुनकर बोर हो गए हैं और चाहते हैं कि गूगल असिस्टेंट किसी न्यू वॉइस में आपसे बातें करें, तो इस वीडियो में आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चलना होगा अपने गूगल असिस्टेंट पे। गूगल असिस्टेंट पे जाने का बहुत सारा ऑप्शन है। आप गूगल असिस्टेंट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपली सिखाऊंगा कि आप गूगल के थ्रू कैसे जाएंगे। तो इसके लिए आपको आपका जहाँ भी गूगल है उस पर क्लिक करना है और गूगल पर क्लिक करके आपको गूगल के मेन इंटरफेस पर इस तरीके से आ जाना है। जैसे ही आप मेन इंटरफेस पर आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपको मोर पे क्लिक करना है, जो नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में है। तो मोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको सेटिंग ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सेटिंग के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है गूगल असिस्टेंट में, क्योंकि हम गूगल असिस्टेंट में ही सेटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आप गूगल असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा गूगल असिस्टेंट का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और दोस्तों, उसमें आपको जाना है असिस्टेंट ऑप्शन में। असिस्टेंट आपको दिख रहा होगा यू के जस्ट बगल में। तो असिस्टेंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, बहुत सारे फिर से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको चेंज करना है आपके गूगल असिस्टेंट की वॉइस। तो उसके लिए आपको नीचे आना है और गूगल जो असिस्टेंट वॉइस का ऑप्शन दे रहा है आपको, उस पर क्लिक कर देना है। तो असिस्टेंट वॉइस के इस इंटरफेस में आपको देखने को मिल रहा है रेड का ऑप्शन और उसके बगल में एक सर्किल। तो दोस्तों, जैसे ही आप बगल वाले सर्किल में क्लिक करेंगे, आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी। और दोस्तों, आपको मैं ये करके दिखा देता हूँ। अब आप फिर से रेड वाले पे आते हैं तो आपको वही ऑप्शन मिलता है। Here are the voices you can pick for your Google Assistant. If you like this voice and want me to keep using it, just stop here. तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको दो वॉइस का ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों, अलग अलग रीजन में अलग अलग ऑप्शन हैं, पांच पांच वॉइसेस के ऑप्शन मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में और सारे ऑप्शन बढ़ जाएंगे, तो और सारे ऑप्शंस पे और सारे तरीक़ों से आप गूगल असिस्टेंट के वॉइस को यूज कर पाएंगे। यहाँ तो फिलहाल दो ही देखने को मिला है, तो आप भी जाइए चेक कीजिए और आपको जो वाला भी वॉइस रखना हो उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए मुझे ऑरेंज वाला या मेल वॉइस रखना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। Here are the voices you can pick for your Google Assistant. If you like this voice and want me to keep using it, just stop here. तो दोस्तों, अब मेरा जो असिस्टेंट वॉइस का इंटरफेस है या असिस्टेंट वॉइस जो है, वो पूरा इसी वॉइस में, मेल वॉइस में मुझे सुनाई देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।